Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. असम के कोकराझार नदी पर उग्रवादियों द्वारा मारे गए गौतस्कर अकबर बंजारा के भाई समीम बंजारा की शुक्रवार को पुलिस ने 19.35 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गौतस्करी करके धन अर्जित कर यह संपत्ति समीम ने खरीदी थी। गैंगस्टर के तहत भैंसुमा के समस्तपुर मार्ग पर 54 बीघा आम का बाग और फलावदा में 3 मकान जब्त किए गए हैं। फलावदा स्थित बंजारन मोहल्ला निवासी गौतस्कर अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान बंजारा 21 अप्रैल 2022 को उग्रवादियों के हमले में असम पुलिस की कस्टडी में मारे गए थे। असम पुलिस ने खुलासा किया था कि अकबर बंजारा गौतस्करी करता था। उसका कनेक्शन पाकिस्तान की ISI से जुड़ा बताया गया था। अकबर ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने गैंगस्टर के तहत अकबर बंजारा की 50 से अधिक संपत्तियां जब्त कर ली हैं। देखिए एसपी देहात केशव कुमार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र फलावदा में गोकशी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 147/22 पंजीकृत किया गया था, जिसमें गैंगस्टर के जो अपराधी थे उनके नाम हैं शमीम बंजारा पुत्र पीरू बंजारा, मोहम्मद बाबू खां, रंजीत छिपी और इकबाल पुत्र हाजी। इन सभी अपराधियों का जो अपराध से अर्जित धन था, उनके आधार पर जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उनके अंतर्गत लगभग 19.50 करोड़ की अवैध संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। इसमें थाना क्षेत्र फलावदा में जो बने हुए मकान हैं उनको कुर्क किया गया है और थाना क्षेत्र बैसुमा में 54 बीघे बाग जो है इसको कुर्क किया गया है। इनकी और जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया गया है। इन सभी संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। मौके पर क्षेत्राधिकारी जो मवाना है वो मौजूद थे। इन सभी अपराधियों के और भी जो संपत्ति है वो लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं। इनके कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।